रायगढ़ जिला के कापू थाना की पुलिस ने गैर इरादतन हत्या मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो घटना के बाद अपने रिश्तेदारों के घर छिप कर रह रहे थे। वहीं कुछ लोग भागने की फिराक में थे। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञात हो कि आरोपियों ने गांव के आसपास जंगल में जंगली सुअरों की शिकार के लिए नंगी तार का जाल बिछाया था और यह जाल 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था, जिसमें 11,000 KV बिजली लाइन सप्लाई कर दी गई थी, जिसमें फंस करके एक युवक की जान चली गई थी। और मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। इसके लिए पुलिस ने अलग अलग 5 टीम बनाकर सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें निर्मल एक्का, बाबूलाल एक्का, सुरेंद्र रूपक गुड्डा, करम साय कुजूर, गुणन सिंह मीज आदि शामिल है। ये घटना 10 जनवरी की है, थाना क्षेत्र कापू की, जहाँ के ग्राम गोह सलार कदम डोरी की ये घटना है। वहाँ पास में एक अड़हा घुटरा का जंगल है, उस क्षेत्र में ये घटना हुई थी। इसमें पूरा घटनाक्रम ये है कि नरेश कुजूर नामक एक 28 वर्षीय युवक है, जिसकी मृत्यु शिकार के लिए बिछाए गए GI तार के चपेट में आने से हुई थी। इसकी जानकारी हमें जब 10 तारीख को मिली, इसके बाद हमने इसमें तत्काल मर्ग जांच पर से लेकर प्रकरण में जांच चालू की। और जब इसमें हमने जांच का क्रम आगे बढ़े तो हमको पता चला कि 9 तारीख की रात से, यानी 9 और 10 के दरमियानी रात में, वहीं पास के गांव के निर्मल इक्का और 4 अन्य लोग थे, 5 लोग थे, जो लगभग शिकार के लिए उस तरफ गए हुए थे और वो लोग अभी गांव से फरार भी थे। मामले में हमने इसमें धारा 304, 201, 34 और साथ में विद्युत भादवी का और विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया। मामले के फरार आरोपियों की पताशाजी की जा रही थी, जिनको उनके रिश्तेदारों के अलग अलग जगह से, अलग अलग लोकेशन से उनको हमने घर पकड़ने में कापू पुलिस ने इसमें सफलता हासिल की है। और जो 5 आरोपी थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके द्वारा जंगल में सुअर मारने के लिए, जंगली सुअर का शिकार करने के लिए GI तार बिछाया गया था, 11,000 वोल्टेज का तार उसे कनेक्ट कर दिया गया था और लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में इन लोगों ने ये तार लगा रखा था। ये तार वगैरह भी हमने सारे जब्त किए हैं और अभी इसको लेके हम जनपदपाल में भी हम इन बातों को लेकर आ रहे हैं, ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं कि इस प्रकार से शिकार के लिए जो तार बिछाते हैं वो कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे किसी बड़ी घटना उसके चलते हो सकती है। इसको लेके भी हम जनचौपाल भी लगातार लगा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। फिलहाल ये 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।